अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल कुछ ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, मेरा अगला व्लॉग पेशे खिदमत है। मैं गई थी जी सियालकोट अपने रिश्तेदारों से मिलने, और ये मेरे भाई के घर में जो जहाँ की चूचियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, मतलब इतना कुछ शोर करती हैं ये। तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद मेरे भतीजे का काम है पत्थर पर लकीरें गुड्डी ज़रूर उड़ानी है। वो उसको ढूंढते ढूंढते ऊपर छत पे गए, मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो? कहता पापा मैं गुड्डी उड़ा रहा हूँ। ये बच्चों के जो काम है बड़े मज़ेदार किस्म के होते हैं। तो मैंने सोचा चलो जी आप लोगों को मैं सियालकोट भी लेकर चलती हूँ। मैं गई, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ भी, बाकियों के साथ भी, एंड आई रियली रियली इन्जॉयड द वेदर एंड ऑल दैट। अच्छा, ये अब गुड्डी लड़ाने का ये जो हो रहा है, ये मुझे आज तक नहीं मुझे समझ आया कि यार ये क्या होता है, ये किस तरह करते हैं। मतलब कि इतना मुझे पता है कि वो ढोर जो है ना वो बहुत सख्त होती है, और अगर उसको ज़रा ज़्यादा काम खराब करे तो वो उंगली जो है ना वो छिल भी जाती है। तो खैर एनीवेज, मेरे पाकिस्तान का ट्रिप जो है वो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था। मेरी जूतियाँ ज़रा चेक करें, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी भी सर्दी नहीं थी। बड़े मज़े की बात है कि मैं फुल पैक होकर गई थी, मतलब पता नहीं नवंबर में जा रही हूँ, दिसंबर में जा रही हूँ, पता नहीं कैसा मौसम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मैं फुल पैक हो। लेकिन इतना कोई मज़ेदार किस्म का मौसम था नवंबर में, मैं तो हैरान हो गई हूँ। मतलब गर्मी भी थी और सबने स्वेटर भी पहने हुए थे एंड ऑल दैट स्टफ। तो जी जनाब, अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल उसमें। हम लोग गए अलामा इकबाल हाउस के अंदर, हम लोग गए। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे वीडियोस बनाने की इजाज़त नहीं थी। वैसे मैंने बाकी यूट्यूब चैनल पे देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है यूट्यूब पे जाके जो है वीडियोस बनाई हुई है इस घर की, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले भाई नीचे खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया। खैर, हम इस घर में गए, बहुत ही कोई खूबसूरत और डिसेंट और हिस्टोरिकल हाउस था। नीचे इसकी लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी अगर देखा जाए तो ऊपर भी लाइब्रेरी था। हर जगह, मतलब हर जगह आपको किताबें नज़र आ रही थी, और मैं खुद क्योंकि किताबें बहुत शौक से पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस जगह पर आके, इस जगह को देख कर के। माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है वो कितना खूबसूरत है, और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है वो कितने खूबसूरत है, वो कितने जो है अजीम और अजीम थे। अच्छा जी, ये आ गई जी लूडो, ला 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 ला, तौबा 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 तौबा। मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहना तौबा, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं कहना। अरे ये बच्चों के साथ लूडो खेलने बैठ जाओ, फिर गोटियाँ जो है वो घर पहुँचती हैं। ये चचा जान लगे हुए हैं, इनके मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं, ये वो साथ में हमारी जो है वो बैठी हुई भाभी, और ये मतलब तौबा 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 तौबा। ये लूडो ना मुझे बड़ा ये खौफ, इतना मुझे खौफ आता है ना इस गेम से। जब मेरी गोटी घर जाती है तो मुझे वो होता है कि यार मैं क्यों ये गेम खेल रही हूँ, लेकिन जब मैं किसी की गोटी मारती हूँ मेरे अल्लाह ज़बरदस्त हो गया। तो ये है कि ये बस छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियाँ हैं जो मैंने इकट्ठी की हैं वहाँ पर। और जी हाँ, ये है सियालकोट एज़ यूजुअल, ये है डाइवो एक्सप्रेस का बस स्टॉप, यानी कि अड्डा, जिसको पंजाबी में बोलते हैं अड्डा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ मैंने पाकिस्तान में देखी है सफ़ा, बहुत अच्छा लगा। लोकल बसों से ज़्यादा बेहतर था, टू बी ऑनेस्ट। लोकल बसों का ज़रा अपना होता है कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना निजली लोग जाना पड़ता है, लेकिन ये है कि ये डाइवो एक्सप्रेस का जो ये बस का इन्होंने जो सिस्टम स्टार्ट किया, इट वॉज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल, इट वॉज़ वेरी वेरी ईजी, और बहुत अच्छा लगा इस तरह की तरक्की जो है वो पाकिस्तान में देख के। तो जो भी सियालकोट के सारे बहन भाई हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं, ज़रूर 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 इस वीडियो के नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मैं आप चलती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।